हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आई क्यू आई एस हिंदी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी आई क्यू आई एस हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा जो कि यूपीएससी एग्जाम के बारे में है लेकिन समाचारों में आई है तो हुआ क्या है भारत सरकार में एक प्रधानमंत्री की एक आर्थिक सलाहकार परिषद होती है जो कि आर्थिक मुद्दों पर भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देती है इकोनॉमिक एडवाइजरी कमिटी उसको बोला जाता है एक तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री को बेसिकली सीधे सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है और उन प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों पर सलाह देती है तो इस समिति के एक सदस्य हैं एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं संजीव सान्याल काफी किताबें लिखी है उन्होंने और काफी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं सरकार की आर्थिक नीतियों में बड़ा योगदान इनका माना जाता है संजीव सान्याल साहब का तो संजीव सान्याल साहब ने एक पॉडकास्ट में यह कहा है कि भारत का जो युवा है भारत में जो युवा है उसमें से बहुत बड़ी संख्या में युवा जो है वो अपना वक्त जो है अपने बहुत महत्वपूर्ण वर्ष यूपीएससी की तैयारी में खराब कर रहा है और यह एक दुखद चीज है तो संजीव सान्याल साहब ने कहा है कि यह एक गलत चीज है यह एक दुखद चीज है यह एक खराब परंपरा है कि भारत का एक बहुत बड़ी संख्या का युवा एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का वो अपनी जीवन का बहुत लंबा समय कई सारे वर्ष जो है वो एक परीक्षा की तैयारी में व्यर्थ कर रहा है जिसमें आखिरकार मात्र हजार लोगों का ही सिलेक्शन होना है जो कि एक बड़ी दुखद चीज़ है बड़ी खराब चीज है और इसको बदले जाने की आवश्यकता है तो एक बार जो है इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि संजीव सान्याल जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है उसका औचित्य क्या है क्या यह बात सही है और अगर ये सही है तो इसके कारण क्या है और इससे छुटकारा पाने का क्या तरीका हो सकता है तो ये सब चर्चा शुरू करने के अगले पंद्रह मिनट हम केवल इसकी चर्चा करेंगे तो चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I कोर्स जो है, शाम बजे से उसका बैच आ रहा है तो आप एजे लाइव कोड जो कि मेरे नाम पर आधारित है वो लगाकर मात्र तेईस हजार रुपए में इससे जुड़ सकते हैं दो हजार और सत्ताईस के हमारे जो अभ्यर्थी है वो इस, इस जो इन सालों में एग्जाम देने वाले हैं वो इस बैच को

याद रखिएगा चलिए अब आते हैं सान्याल साहब पर तो भाई संजीव सानियाल साहब जो है निश्चित तौर पर बहुत ही मेरिटोरियस आदमी है उनकी इंटेलिजेंस पर उनकी बुद्धिमत्ता पर उनके मेरिट पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री अर्थ हैं और कई सारे विषयों का ज्ञान रखते हैं उनकी एक भूगोल पे लिखी हुई किताब मैंने पढ़ी थी जहां पर उन्होंने सात नदियों के आधार पर भारत के इतिहास का वर्णन किया था बहुत ही ब्रिलियंट किताब थी बहुत पहले मैंने पढ़ी थी जब वो इतने फेमस भी नहीं थे तब उनकी लिखी किताब मैंने पढ़ी थी बहुत ही अच्छा लिखते हैं बहुत ही मतलब जाने माने जानकार व्यक्ति हैं तो संजीव सानिया ल साहब ने कहा कि कि देखो भारत भारत में में क्या क्या है है उन्होंने कहा युवाओं का आदर्श जब आप आप युवा होते हो तो आप जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो चाहता है तो उन्होंने कहा युवाओं का जो सपना है वो क्या होना चाहिए शायद युवाओं का सपना होना चाहिए कि मैं जाके धीरू भाई अंबानी बनू या मुकेश अंबानी बनू युवाओं का आइडल होना चाहिए मुकेश अंबानी या फिर युवाओं का आइडल होना आइडल होना चाहिए इलॉन मस्क कि यार मतलब जो व्यक्ति इलॉन मस्क चलिए मुकेश अंबानी की फिर भी पिताजी बड़े व्यापारी थे बड़े उद्योगपति थे इलॉन मस्क तो कोई भी नहीं थे अपने आप फर्स्ट जनरेशन ऑन्ट्रोप्रन्यर थे उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी शुरू के लिए अपना व्यापार बनाया और व्यापार को बढ़ा बढ़ा के दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति तक बने उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं का एस्पिरेशन होना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी वो बड़े व्यापारी बने बड़े उद्योगपति बने वो अपना काम शुरू करें बड़ी बड़ी नौकरियां करें बड़े उद्योग सेट करें या बड़े बड़े उद्योगों में कंट्रीब्यूशन करें बड़े बड़े उद्योगों में योगदान करें ये हमारे युवाओं का सपना होना चाहिए ये हमारे युवाओं का आइडल होना चाहिए वही दूसरी ओर अगर आप भारत में जाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में युवाओं का सपना क्या होता है कि मैं भारत सरकार के किसी विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाऊँ ये उनके शब्द हैं कि ये सपना होना चाहिए ये और हमारे युवाओं का सपना होता क्या है कि मैं किसी विभाग में भारत सरकार के किसी विभाग में जाकर मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाऊं मैं संयुक्त सचिव बन जाऊं तो सान्याल साहब कहते हैं कि यार ये किस तरह का सपना है ये अगर हमारे युवा का सपना ही ये है कि मैं किसी सरकारी विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाऊं तो इसको वो कहते हैं पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन ये टर्म आप लिख लीजिए इसको आप प्रयोग कर सकते हैं इसको वो कहते हैं पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन यानी कि आप जो सपना देख रहे हैं वो सपना ही बहुत छोटा और बहुत मामूली है कि आपका सपना भी क्या है भाई जॉइंट सेक्रेटरी आप बन जाओगे तो एक बहुत बड़ी सरकार है उसमें एक बहुत बड़ा विभाग है उसमें एक छोटी सी भूमिका आप अदा कर पाओगे और ज्यादा तो आप कुछ करोगे नहीं तो इसको वो कहते हैं कि ये क्या है ये सपनों की गरीबी है कि आपके जो अरमान हैं, जो आपके सपने हैं ये सपनों की गरीबी है कि आप यार सपना ही इतना मामूली इतना छोटा देख रहे हो आप जब सपना ही इतना छोटा देखोगे तो आप जीवन में अचीव क्या कर पाओगे तो यहां पे साहब कहते हैं कि कि बड़ी दुखद बात है कि हमारे देश में युवा का सपना होना चाहिए कि मैं फर्स्ट जनरेशन ऑन्ट्रप्रन्योर बनूं मैं इतना बड़ा बिजनेस बनाऊं लाखों लोगों को नौकरियां दूं जैसा भाई अंबानी कर रहे हैं या मस्क अपने देश में कर रहे होंगे मैं ऐसी कंपनियां बनाऊं ऐसा व्यापार खड़ा करूं जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिले वही हमारा युवा क्या कर रहा है सरकार की तरफ देख रहा है कि सरकार नौकरी कब देगी हमारे यहां युवा क्या चाहता है कि सरकार उसको नौकरी लाकर दे हम सरकार की नौकरी का हम इंतजार करते हैं सरकार नौकरी लाएगी उसमें भी ज्यादातर लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग यूपीएससी की तैयारी में लगे रहते हैं यूपीएससी एग्जाम पे स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि यार यूपीएससी एग्जाम जो है जरूरी है मैं उन्होंने कहा ये, मैं ये नहीं कह रहा कि जिन लो, ज, लोगों को इस एग्जाम में नहीं बैठना चाहिए या फिर इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तो देश के लिए एक अच्छा प्रशासन जरूरी है भाई सही बात है अच्छे प्रशासक देश में आने चाहिए अच्छे प्रशासक जो है वो देश में चाहिए तो ये बात सही है कि यूपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए और लोगों को उसकी तैयारी भी करनी चाहिए पर उन्होंने कहा कि यार ये बताएं, क्या ये उचित है कि 10-15 लाख लोग हर साल इस एग्जाम में बैठे हैं जिसमें 800-900 सीट्स हैं है क्या ये उचित है मतलब क्या इन 800 सीटों के लिए दस लाख लोगों का बैठना क्या ये उचित बात है क्या ये भाई आप कितना भी अच्छा कर लो सेलेक्ट तो केवल 800 ही लोग होंगे भाई सीट आठ तो सौ तो ही होने वाला है तो होने वाला बाकी के लोग जो हैं हैं वो बेसिकली अपने साल साल दर खराब करते चले जाते हैं। इसकी तैयारी करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं जबकि उस समय वो देश में कोई और आर्थिक गतिविधि कर सकते थे किसी और तरह का योगदान दे सकते थे उस योगदान को छोड़कर लोग यूपीएससी की तैयारी में लगे रहते हैं इसके अलावा सानियाल साहब कहते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है और क्या हम इस बात को जानते हैं कि इन दस लाख लोगों में से कितनी इतने लोगों की वास्तविकता में प्रशासन में रुचि है कि और आपका जो है इसका जो है तो आप इसमें कर सकते अगर आपको लगता है कि यार ये बढ़िया चीज है ये हमें करना है तो आप इसकी तैयारी करिए कोई दिक्कत नहीं है भाई ऐसे मान लीजिए हमारे यहां दस बीस पचास हजार लोग हैं जो इस एग्जाम की तैयारी करें और वो इस एग्जाम को दें उनमें से आठ सौ हजार लोग जो भी सेलेक्ट होने हैं वो हो जाए बाकी लोग सेलेक्ट ना हो कोई दिक्कत नहीं है ये बात सही है लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दस लाख लड़के लड़कियां जो भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग कोनों में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इतने लोगों की भारत में प्रशासन में रुचि है इनमें से ज्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि प्रशासनिक नौकरी होती क्या है उसको वो कहते क्या है कि हमारे यहां और इसमें वो भी देते हैं कि आप आमतौर पर राज्यों को देखिए वो कहते हैं जैसे किन राज्यों से बहुत ज्यादा लोग तैयारी करते हैं पर उन राज्यों से जहां पर आर्थिक विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ है वो बिहार का एग्जाम्पल देते हैं कि बिहार में क्या है आमतौर पर अपराधी किस्म के राजनेता है वो ये कहते हैं कि बिहार में जो एक अपराधी राजनेता की संस्कृति है तो लोगों को ऐसा लगता है एक अपराधी राजनेता की संस्कृति है औद्योगिक विकास हुआ नहीं है बंगाल का वो एग्जाम्पल देते हैं कि आप बंगाल में देखें तो भाई बंगाल में क्या होता है बंगाल में आमतौर पर ट्रेड यूनियन की संस्कृति है कि ट्रेड यूनियन के पास शक्तियां हैं और ज्यादा उद्योग धंधे बन नहीं पाए तो इन चीजों से बचने के लिए लोगों को लगता है कि यार सिविल सर्वेंट बन जाओ सिविल सेवा सेवाइन कर लो और सिविल सेवा ज्वाइन करके ही हम इस इस पूरे माहौल से निकल सकते हैं एक सम्मानजनक नौकरी हमको प्राप्त हो सकती है यह बात सान्याल साहब ने कहा अब देखिए इसको इस दिशा में भी देखने की आवश्यकता है कि आज ही एक आई की रिपोर्ट भी आई है कल आई थी आई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने ये भी कहा कि भारत में गैर कृषि क्षेत्र जो है वो उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है जितना उसे करना चाहिए विकास दर के हिसाब से उसको लेकर भी भारत सरकार के नीति आयोग ने यह कहा है कि यार नौकरियां उत्पन्न करना सरकार का, का काम नहीं हो सकता सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं आ सकती सरकार इसका निर्वहन नहीं कर सकती कि हम सबको नौकरियां देना शुरू कर दें सरकार एक सीमित संख्या में ही लोगों को नौकरी दे पाएगी बाकी नौकरियां देने के लिए निजी क्षेत्र को काम करना पड़ेगा तो अब सवाल यह आता है कि यह बात तो सही है देखिए ये रेशो स्क्यूड तो है कि 800 नौकरियों के लिए दस लाख लोग भारत में तैयारी कर रहे हैं यह रेशो जो है

जिसमें आपके अनुत्तीर्ण क्योंकि भाई रेशियो है ना सीधा सीधा अनुत्तीनवे पॉइंट नौ नौ परसेंट है कि आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाओगे भाई बहुत क्लियर बात है दस लाख लोग बैठ रहे आठ सौ लोगों का होना है तो भाई नौ लाख निन्यानवे हजार आ, कितने हो गए नौ लाख निन्यानवे नौ लाख बानवे हजार लोगों का नहीं होगा ना नाइनटी नाइन पॉइंट टू परसेंट हो गए तो आपके आप ये समझ लीजिए नाइनटी नाइन पॉइंट टू परसेंट लोग जो है तो इस बात की नाइनटी नाइन पॉइंट टू परसेंट संभावना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा ये बात क्लियर है अगर हम सीधा सीधा गणित लगा दे तो तीसरी बात वो कहते हैं कि भाई लोग जो है जो उनका देखने का तरीका है कि लोग क्या करते हैं वर्षों तक इसकी तैयारी करते रहते हैं कि लोग ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो दस दस साल यूपीएससी की तैयारी करते रह जाते हैं आपको देखा होगा सामान्य वर्ग भी जो होता है जनरल कैटेगरी उसके लिए भी एज ब्रैकेट 21 से 32 साल होता है मैं खुद ऐसे छात्रों को जानता हूं मेरे साथी रहे हैं मेरे छात्र रहे हैं जिन्होंने 21-22 साल की उम्र में तैयारी शुरू करी उनका चयन नहीं हुआ लेकिन वो 27, अट्ठाईस उनतीस तीस और बत्तीस साल की उम्र तक भी कई बार लोगों ने एग्जाम दिया तो अपने जीवन का पूरा एक दशक लोगों ने तैयारी करते हुए गुजार दिया और कोई काम यहां पर उन्होंने नहीं किया तो ये बात बिल्कुल सही है ये भी ये बात भी एकदम सही है और तो ये और इस समय क्या हो सकता है वो अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं उनका योगदान जो है वो नहीं आता अर्थव्यवस्था में जो योगदान कर सकते हैं या फिर अपने करियर को बढ़ाने का अपनी स्किल सेट को बढ़ाने के, के तरफ जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास वो नहीं करते तो निश्चित तौर पे इतनी बड़ी संख्या में भारत का यूथ जो है युवा जो है वो अपना समय इसमें नष्ट कर रहा है ये इसकी तरफ देखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अगली बात वो ये भी कहते हैं कि यार ये युवा जो है इसको यह जानकारी भी नहीं है कि प्रशासनिक सेवा होती क्या है तो इसकी प्रशासन में रुचि है या नहीं इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं और यह तो आप मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता था तो मुझे हार्डली अंदाजा था कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद क्या ज्यादा काम करना होता है उसके बाद जब मैंने आसपास लोगों को देखा तब समझ में आया मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप में से भी ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि आपको प्रशासन में रुचि है या नहीं है तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सेलेक्ट हो जाते हैं ठीक ठाक रैंक ले आते हैं उसके एक दो साल बाद फिर वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहने लगते हैं उनको लगता है यार क्या बकवास काम है ये काम तो मेरे को नहीं करना चाहिए था ये एक दुखद चीज है तो ये ये एक, इसको तरफ देखने का एक नकारात्मक तरीका है लेकिन क्या इसकी तरफ देखने का एक सकारात्मक तरीका भी हो सकता है यूपीएससी की तैयारी अगर आप अच्छे से करें तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे यह मानना है कि यह अपने आप में बहुत बड़ा कौशल विकास होता है मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे यह मानता हूं कि जब मैं एक छात्र की तरह मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी और जब मैंने तैयारी करना बंद किया तब तब तक मेरे में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था मैं यह मानता हूं कि जितनी चीजें जितनी जितनी जिस जिस तरह से सोचने का तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका जिस तरह से किसी भी चीज को एनालाइज करके उसकी विवेचना करने का तरीका मैंने यूपीएससी की तैयारी में सीखा वो शायद मैं अपनी पीछे की पूरी शिक्षा में नहीं सीख पाया था मैं देश के सबसे अच्छे कॉलेजेस में गया उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मैंने यूपीएससी की तैयारी के उन एक दो सालों में सीखा उतना मैंने उसके पहले कभी नहीं सीखा था तो निश्चित तौर पर यह कौशल विकास में आपका योगदान करता है ठीक है ये ये एक बात हो गई दूसरी बात यह है कि भाई इसको अगर हम ऐसा मान लें कि अगर आप यह कह रहे हो कि व्यक्ति की रुचि नहीं है तो यार इसमें यह बात भी समझने की आवश्यकता है कि भारत में सामान्य प्रशासन जो है भारत में सामान्य प्रशासन जो है उसके बारे में जानकारी आमतौर पर लोगों को होती है जानकारी लोगों को होती है और इससे ज्यादा जानकारी तैयारी के स्टेज पे देना संभव नहीं है भाई ये कलेक्टर क्या करता है, एसपी क्या करता है थोड़ा थोड़ा तो आपको पता होता ही है अब हाँ एकदम एग्जैक्टली उसका दिन कैसा होता है ये सारी चीजें तो आपको किसी भी काम के बारे में नहीं पता होती यार आप जब जब मैं टीचर बना तब टीचर का दिन कैसा होता है मुझे यह भी कहां पता था यार तो आप जब काम करना शुरू करते हो तो आपको पूरी जानकारी जो होती है किसी भी फील्ड की वो आपको तब पता टीचर होने की अपनी खुद की चुनौतियां हैं ये मेरे को नहीं पता थी जब मैं टीचर बना तब मेरे को मालूम चला अच्छा ये भी ये भी चुनौती होती है यार कि आपका जैसे मेरे को गले की बहुत प्रॉब्लम रहती है वो गले की प्रॉब्लम है तब भी आपको बोलना है चार घंटे उससे आप बच नहीं सकते ठीक है ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं तो यार ये सब भी चुनौतियां होती है तो किसी भी चीज में आपको वास्तविक चुनौती तो फील्ड को ज्वाइन करने के बाद ही पता चलती है दूसरी तीसरी बात इसमें यह है कि यार अगर आप ये कह रहे हो कि ये जो बच्चे हैं यह अपना समय नष्ट कर रहे हैं तो जो मैं बार बार कहता हूं क्या इनके पास कोई वैकल्पिक अवसर है क्या अगर ये बच्चे ऐसे राज्यों से आते हैं या ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां पर अच्छे से इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ है

तौर लोग लोग ये ये नौकरी तैयारी छोड़ेंगे लोगों को अवसर मिलेंगे, लोग उनका लाभ उठाएंगे लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ये लोग अपना समय खराब कर रहे हैं और इन्हें कुछ और करना चाहिए बाबा वो कुछ और क्या है वो कुछ और की परिभाषा क्या है वो कुछ और के अवसर कहां हैं इस बात को भी समझने की आवश्यकता है तो ये भी हमको इस दिशा में एक बार सोचना चाहिए हालांकि यह बात सही है कि अगर आप देखेंगे तो एक राज्यवार अगर आप ब्यौरा देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में यह निश्चित तौर पे एक सांस्कृतिक चीज भी है कि हम बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे अंग्रेजों के गुलाम रहने के अलावा हमने ये भी देखा उसके बाद भी जो भारत में कम से कम उन्नीस के पहले जिस तरह की सरकारें रही वहां पर सरकार के पास अतिशय पावर थी ये हमने देखा हमेशा अपने जीवन में कि सरकारें जो थी भारत की वो अत्यधिक शक्तिशाली रही 1990 के बाद ये फिर भी थोड़ा परिवर्तित होना शुरू हुआ और इन इस शक्ति का असली निर्वहन जो था वो किया आई ऑफिसर्स ने ये बात सत्य है कि इन इस सरकारी शक्ति का असली धारक जो होता था वो आई ऑफिसर होता था तो एक जो भारत में जिसको हम कहते हैं माई बाप संस्कृति कि एक आई ऑफिसर जो होता था वो जनता का एक प्रकार का माई बाप होता था कि भाई ये व्यक्ति जो है ये व्यक्ति आपका मालिक है ये व्यक्ति साहब है एक जो साहब की जो संस्कृति थी भारत में उसका विकास हुआ और यह संस्कृति धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि आ, अब और धीरे धीरे ऐसा लगता भी है कि आजकल आप देखेंगे कि आई ऑफिसर्स जो हैं अगर वो अब पहले किसी को भी मार दिया करते थे गाली दे दिया करते थे बदतमीजी कर दिया करते थे भ्रष्टाचार कर लिया करते थे अब आपने देखा होगा अगर कोई ऐसा करता है तो उसका वीडियो यूट्यूब पर आ जाता है अब आपने देखा है कि लोग उसकी शिकायत करते हैं उसकी नौकरी चली जाती है इस प्रकार की चीजें होती हैं तो धीरे धीरे ये आई की शक्ति भी जो है जनता पर जनता के शासक से जनता सेवक की तरफ परिवर्तित हो रही है और जैसे जैसे ऐसा होगा तो ये मानने के पर्याप्त आधार है कि आने वाली पीढ़ियों में शायद वही लोग आईएएस की तैयारी करेंगे या यूपीएससी की परीक्षा देंगे जहां पर जहां जिन लोगों का वास्तविकता में इसमें कोई रुचि होगा यह बात बिल्कुल सही है कुछ इसमें सुधार किए जा सकते हैं लेकिन वो सरकार को सोचना पड़ेगा जैसे मैं अगर आप मेरे से सुधार की बात मांगे तो मैं यह भी मानता हूं कि कॉलेज से निकला हुआ जो बच्चा होता है इक्कीस साल का 21 साल मिनिमम एज है जो कॉलेज से निकला हुआ छात्र छात्रा होता है उसे कुछ भी नहीं पता होता उसे कोई अंदाजा नहीं होता कि उसकी जीवन में रुचि क्या है उसको बहुत कम होती है तो सरकार ऐसा कर सकती है ये ये मैं मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार को करना चाहिए और मेरे को ऑप्शन अगर, अगर हम उस न्यूनतम आयु को मान लीजिए छब्बीस वर्ष कर दें मान लीजिए ऐसा कुछ कर दिया जाए कि 26 साल से कम का व्यक्ति यूपीएससी की परीक्षा नहीं देगा तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि 26 साल की उम्र तक जो बच्चा है जो छात्र है या छात्रा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करके ही आया होगा तो उसने कुछ साल नौकरी करी है उसने कुछ साल अपना करियर बनाया है दुनिया देखी है उसके बाद अगर उसकी शासन प्रशासन में रुचि है तो उसके बाद वो आई की तैयारी करेगा कॉलेज के बाहर निकलते ही ये एक प्रकार का कई बार क्या होता है छात्र को ज्यादा जानकारी नहीं होती बाकी मित्र कर रहे होते हैं तो वो भी चला आता है तो कुछ सुधार इसमें किए जाने चाहिए इस पर विचार विमर्श की आवश्यकता है बहुत अच्छी एक चर्चा साहब ने शुरू करी है पर इसका हमें सभी पक्षों को देखने की आवश्यकता है इसमें आपके भी अगर कोई सुझाव है क्योंकि आपसे जुड़ी बात है मैं तो निकल चुका इस तैयारी प्रक्रिया आप से आपसे जुड़ी बात है आपके कुछ सुझाव है आपको कुछ लगता है जो किया जा सकता है तो वो कमेंट्स के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा चलिए अब एक बार जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा पी2आई बैच जो है वो शुरू हो रहा है 29 मार्च से तो 29 तारीख अभी आज 27 तारीख हो ही गई 29 तारीख से हमारा पी2आई बैच जो है वो प्रारंभ हो जाएगा ये आपको जानकारी आपको मैं दे रहा हूं शाम को 6 बजे का बैच है ठीक है 2025, 26, 27 के जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं एजे लाइव कोड जो मेरे नाम पे आधारित है वो आपको लगाना है और आप तेईस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं ठीक है थीके? आपकी तैयारी एकदम ऑर्गेनाइज हो जाएगी इसमें आपको से इंटरव्यू तक सबकी तैयारी कराई जाएगी रोज तीन घंटे का लाइव लेक्चर मिलेगा मेंटोरशिप मिलेगी नोट मिलेंगे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे टेस्ट सीरीज मिलेगी और आपको जो है अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेन्स की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे अपने साथ रखेंगे वहां पर आपकी तैयारी आपका ना खाना सब कुछ इसी फीस में इंक्लूडेड होगा तो आज ही आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज कीजिए इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आई क्यू हिंदी